आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। भक्तों से सजीव संवाद करती है। बुंदेलखंड के इस स्थान पर विराजी अश्रु माताओं, जल के कुंड से निकलता है प्रसाद, डॉट लगा रहता है यह भक्तों का मेला। आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। वैसे तो भारत भूमि चमत्कारों से भरी हुई है, क्या आप यकीन करेंगे कि देश में एक ऐसा भी सिद्ध स्थान है जहां देवी माता न केवल भक्तों से सीधा संवाद करती है, वरन वहां एक कुंड है जिसमें से भक्तों को प्रसाद भी तैरता हुआ मिलता है। दरअसल यह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल में टीकमगढ़ जिले की सुप्रसिद्ध अचरू माता है, जो क्षेत्र अब निवाड़ी के जिला बनने के बाद निवाड़ी में शामिल हो गया है। अगर आप जगत जननी माता दुर्गा की आराधना करते हैं और अगर आप माता दुर्गा जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय भवानी, जय दुर्गा अथवा जय काली माता लिखना न भूली। अचरू माता कुंड से भक्तों को मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद देती है। माता रानी का यह मंदिर निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मड़िया में देवी अचरू माता के नाम से विख्यात है, जहां पर माता कुंड से आने वाले हर भक्त से सजीव संवाद करती है। माता भक्तों की फरियाद सुनती है, माता भक्तों के प्रश्नों के उत्तर भी देती है और माता भक्तों को मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद भी प्रदान करती है। आपका कार्य पूरा होगा अथवा नहीं माता रानी यह भी बता देती है। जिला मुख्यालय टीकमगढ़ से झांसी की ओर जाने पर केवल 59 किलोमीटर दूर यह प्रसिद्ध मंदिर है। बुंदेलखंड की देवी प्रतिमाओं में अचरू माता के दर्शनों का विशेष पुण्य लाभ मिलता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि के आरम्भ होते ही मेला लग जाता है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। माता के चमत्कारों की कहानियाँ क्षेत्र के हजारों बुजुर्गों की जुबान पर आज भी सुनने के लिए मिलती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि माता अचरू माता के अद्भुत दरबार में शामिल होने के लिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, हाजिरी लगाते हैं, माता को अपनी फरियाद सुनाते हैं और साथ ही उनसे अपने कार्यों की पूर्ण करने की गुहार लगाते हैं। माता भी भक्तों को मनोकामना पूर्ण होने की आशीर्वाद देती है। भक्तों का कहना है कि अचरू माता के इस अद्भुत कुंड से माता भक्तों को प्रसाद के रूप में नींबू, नारियल गरी, फूल, जलेबी, दही, चिरौंजी इत्यादि प्रसाद के रूप में प्रदान करती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस भी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होनी होती है उसी अनुसार माता उसे प्रसाद प्रदान करती है। कई भक्तों को कोयले का प्रसाद भी मिलता है। जानकारों का कहना है कि वह स्थान जहां पर माता का कुंड है एक पहाड़ी पर स्थित है और कुंड हमेशा जल से लबालब भरा रहता है। कई बार बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखे की चपेट में आया लेकिन कुंड में सदैव ही जल भरा रहा। पहाड़ी पर यह स्थान होने के बावजूद भी कुंड का पानी कभी कम नहीं होता है। लोगों का कहना है कि माता देवीय आपदाओं का भी संकेत देती है। स्थानीय लोगों का कहना है इस कुंड में जल कहां से आता है और प्रसाद कहां से आता है। इस बात की खोज कई बार लोगों ने करने की कोशिश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। लाखों लोगों की श्रद्धा इस स्थान से जुड़ी हुई है। लोग अपने कार्यों की अपेक्षा लेकर माता के दरबार में पहुंचते हैं और माता सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इस तरह का अनोखा व अद्भुत दरबार माता अचरू माता का है, जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचते हैं, हाजिरी लगाते हैं, माता को अपनी फरियाद सुनाते हैं और साथ ही उनसे अपने कार्यों की पूर्ण होने की मनोकामना करते हैं। माता भी भक्तों को मनोकामना पूर्ण होने की आशीर्वाद भी प्रदान करती है। आइए अब हम आपको यहाँ की मान्यता के बारे में बताते हैं। अचरू माता मंदिर देश के उन कुछ देवी मंदिरों में से है जहाँ पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचकर अपनी विनती करते हैं, माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस स्थान पर माता के उद्भव की भी कहानी बड़ी अजीब है।
जानकार विद्वानों के अनुसार इस तरह की जनश्रुति है कि लगभग 500 साल पहले यादव समाज का एक चरवाहा जिसका नाम अचरु था अपनी भैंसे जंगल में चारा रहा था। इसी दौरान इस घने जंगल में चरवाहे की भैंस गुम हो गई। कई दिन तक चरवाहा घने जंगल में अपनी भैंसों की खोज करता रहा। दिन दोपहर में थक हार गया चरवाहा आसपास कोई जल का स्रोत न होने के कारण प्यास से व्याकुल होने लगा। चरवाहा इसी पहाड़ी के पास एक वृक्ष के नीचे छाया बैठ गया तो माता ने उसे कुंड से निकलकर दर्शन दिए व उसे कुंड से जल ग्रहण करने की बात कही व चरवाहे को अपने भैंसों की जानकारी दी। जानकारी कुंड में पानी पीने के बाद चरवाहे ने अपनी लाठी कुंड में डाली तो वह अंदर चली गई। माता ने जिस स्थान पर उसकी वैसे होने की बात बताई थी उसी स्थान पर उसकी लाठी भी मिल गई तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तभी से नित्य प्रतिदिन चरवाहा इस स्थान पर आकर माता की पूजा करने लगा। धीरे धीरे यह बात आसपास फैलने लगी और लोग इस स्थान पर पहुंचकर अपनी मनोकामना पूरी करने हेतु विनती करने लगे। प्राचीन ओरछा स्टेट की यह धार्मिक भूमि जो पहले टीकमगढ़ जिले में आती थी अब निवाड़ी जिले का हिस्सा हो गई है। पृथ्वीपुर के पास स्थित माता अचरु माता का यह मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र वर्षों से रहा है। एक समय यहाँ माता की छोटी से महिया हुआ करती थी। समय का पहिया घूमता गया और उसके साथ हुए बदलाव के चलते अब यहाँ विशाल मंदिर और धर्मशालाएं बन चुकी है। यहाँ नवरात्रि पर लगने वाले मेले के लिए दुकानों का लगना आरंभ हो गया है। यहाँ पर नवरात्रि में 9 दिन तक विशाल मेले का आयोजन किया जाएगा। मंदिर में भजनों के साथ ही अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अचरु माता मंदिर पर 9 दिन तक लगने वाले मेले में समूचे बुंदेलखंड से हजारों भक्तों का आना होता है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा मेले की सुरक्षा व्यवस्था बनाए हेतु अपने अपने स्तर पर प्रयास किए जाते हैं। राम रजा की नगरी कही जाने वाले ओरछा से 20 किलोमीटर दूर पृथ्वीपुर के करीब अचरु माता का दरबार लगा है। यहाँ बना कुंड चमत्कारिक होने से लोगों के बीच आस्था का केंद्र बना हुआ है। इसके साथ ही मंदिर में आने वाले श्रद्धालु अपनी अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आते हैं और मनोकामनाएं पूरी होने का आशीर्वाद लेकर वापस लौटते हैं। सती का आंसू गिरने की कहानी भी जुड़ी है इस देवालय से। जानकार विद्वानों के अनुसार यहाँ यह भी मान्यता प्रचलित है कि दक्ष प्रजापति ने जब अपना यज्ञ किया था और देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जी का अपमान किया था उस वक्त माता पार्वती की आंखों में आंसू आ गए थे और यह वही स्थान है जहां पर आंसू गिरे थे। कहा जाता है कि यह स्थान पृथ्वी का मध्य स्थल है। यहां की और भी कथाएं प्रचलित है। जब लाल हो गया कुंड का पानी, मंदिर से जुड़े कई किस्से लोग सुनाते हैं। लोगों का कहना है कि एक बार इस कुंड के आसपास की सफाई की जा रही थी, किसी ने लोहे की साग से कुंड के मुहाने पर लगी काई कुरेद कर साफ करने की कोशिश की, तब इस कुंड का पानी खून की तरह लाल हो गया था। नवरात्रि पर लगता है मेला। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इस स्थान पर वर्षों पूर्व इस स्थान की खोज करने वाले माता अचरु मैया के अन्य भक्त अचरु के परिवार के लोग ही मंदिर की पूजा करते हैं। लाखों भक्त प्रतिवर्ष श्रद्धा भक्ति भाव से माता के दरबार में पहुंचते हैं। चौत्र नवरात्रि एवं शारदीय नवरात्रि में यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। अगर आप अचरु माता के दरबार में जाना चाहते हैं तो सबसे करीबी बस अड्डा टीकमगढ़ ओरछा, झांसी, पृथ्वीपुर, रेलवे स्टेशन झांसी और टीकमगढ़ तथा हवाई अड्डा झांसी और ग्वालियर है। अगर आप जगत जननी माता दुर्गा की आराधना करते हैं और अगर आप माता दुर्गा जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय भवानी, जय दुर्गा अथवा जय काली माता लिखना न भूली। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है
कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह ले। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।